क्या आपने कभी सोचा है हमें दिखाई कैसे देता है और अंधेरे में हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? इसका जवाब छुपा है विज्ञान में, जिसे हम अभी जानने वाले हैं। मानव नेत्र यानी इंसानी आंख 20 लाख से भी ज्यादा छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनी है। इसके बावजूद भी आंख अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक कि इसे हमारे दिमाग यानी मस्तिष्क का साथ ना मिले। वास्तव में हम जो भी देखते हैं वह केवल आंखों से नहीं बल्कि आंखों और दिमाग के तालमेल से हमें चीजें दिखाई देती हैं। टेक्निकली हमारी आंखें प्रकाश की सहायता से चीजों को देखती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब हमें उस चीज का वहां होने का एहसास होता है। हमारी आंखों की संरचना में सबसे बड़ा भाग होता है कॉर्निया का, जो खिड़की के शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको पार कर प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। आंख का दूसरा पार्ट होता है प्यूपिल, जिसे हम हिंदी में पुतली भी कहते हैं। इसके सहारे प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है। प्यूपिल के चारों ओर फैला रंगीन हिस्सा आयरिस कहलाता है, जो प्रकाश की अधिकता में हमारी पुतलियों को सिकोड़ देता है और कम प्रकाश होने पर यह हमारी पुतलियों को फैला देता है, जिससे कि ज्यादा लाइट होने पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारी आंखों में प्रवेश कर सके और अंधेरा होने पर ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में प्रवेश कर सके, जिससे हमें अंधेरे में देखने में मदद मिले। और अगला हिस्सा होता है लेंस, जो आते हुए प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है, जिसके कारण चीजें हमें क्लियर और पास दिखाई देती हैं। लेंस प्रकाश को जिस हिस्से पर फोकस करता है उस हिस्से को हम रेटिना कहते हैं। यह आईबॉल के पीछे का हिस्सा होता है, जिसमें लगभग 13 करोड़ छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जो प्रकाश को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। इन पर पड़ने वाले प्रकाश को यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं। इसके बाद यह इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा दिमाग तक जाता है, जहां दिमाग इसे प्रोसेस कर हमें चीज का होने का आभास कराता है। वास्तव में रेटिना चीजों को उल्टी तरह से देखता है, पर हमारा दिमाग उसे सीधा कर समझने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा हमारी दोनों आंखें एक ही चीज को दो अलग अलग एंगल से देखती हैं, पर हमारा दिमाग दोनों एंगल्स को जोड़कर एक सरल पिक्चर क्रिएट करता है। तो चलिए अब जानते हैं आंखों से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य। मानव नेत्र में 20 लाख से भी ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं। हम एक मिनट में 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाते हैं। इसके हिसाब से एक घंटे में लगभग 1200 बार और एक दिन में लगभग 28,800 बार हम अपनी पलकें झपकाते हैं। रेटिना के अंदर दो प्रकार की लाइट डिटेक्टिव कोशिकाएं होती हैं। पहली कॉन्स, जिनकी संख्या लगभग 60 लाख होती है, और दूसरी रॉड, जिनकी संख्या लगभग 12 करोड़ होती है। हम केवल लाल, हरा और नीला रंग ही देख सकते हैं, बाकी के बचे हुए कलर्स हमें इन्हीं रंगों के तालमेल से दिखाई देते हैं। कुत्तों को इंसानों की तरह साफ रंग दिखाई नहीं देते, वहीं तितलियों की रंग देखने की क्षमता इंसान से अधिक होती है। हम केवल आंखों से ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी देखते हैं, इसीलिए हम कम इन्फॉर्मेशन होने पर भी पिक्चर को समझ लेते हैं।